सावधान, पंजाब च 3 दिन लई रेड अलर्ट। हीट वेव दा रहेगा प्रकोप। गर्मी ने तोड़े 54 साल दे रिकॉर्ड। मौसम विभाग के वालों एक बार फिर तो पंजाब विच रेड अलर्ट जारी किया गया है। ते 3 दिन लई अलर्ट सिर्फ गर्मी लई किया गया है, क्योंकि मन्या जा रहा है कि इस बार वादी गर्मी ने 54 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिता है। आते अगले 3 दिन हीट वेव का प्रकोप रहने वाला है, जिस करके डॉक्टरों वालों ते मौसम विज्ञानियों के वालों हिदायत भी जारी की गई ने कि कोई जरूरी काम होवे ता ही घरों बाहर निकलो, नहीं तो धुप विच निकलन तो अपना बचा करो। दस दें कि मौसम विभाग के वालों अगले 3 दिन लई सूबे दे विच रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन्हां 3 दिन दे विच हीट वेव का प्रकोप रहन वाला है अते हीट वेव के नाल नुकसान ज्यादा हुंदा है। वैसे तो वादी गर्मी तो लोग पहला ही परेशान ने, पर यह मनिया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने 54 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिता है, क्योंकि पहला 1970 दे विच ए तापमान रिकॉर्ड किया गया सी, जो हुण मई महीने दे विच किया गया है। सो पंजाब दे नाल नाल उत्तर भारत दे विच भी रेड अलर्ट जारी है। गर्मी कारण लोग बेहाल ने ते हीट वेव नू लेके ही ए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस हीट वेव दे कारण सब तो वध प्रभावित बच्चे ते बुजुर्ग हुंदे ने, जिन्हां नू बीमार होण दा खदशा रहिंदा है। इत्थे मौसम विज्ञानियां दे वल्लों बच्चों के बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखने की हिदायत की गई है कि वह गर्मी के विच धुप के विच बाहर ना निकलन, हीट वेव तो हर कोई अपना बचा करे। जेकर बहुत जरूरी काम भी है तो तावी धुप विच जान तो पहला शरीर नू पूरी तरह ढक के रखो ता जो हीट वेव तो बचिया जा सके। तुहानू दस दिए कि हीट वेव इस कदर खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि हर साल हीट वेव के कारण कई लोग अपनी जान गुआ लेंदे ने, जिस करके हीट वेव तो बचना बेहद जरूरी है। हालांकि मौसम कदों बदलेगा या गर्मी तो कदों राहत मिलेगी, इस नु लेके अजे तक मौसम विभाग के वालों कुछ भी साफ नहीं किया गया। 3 दिन लई रेड अलर्ट जारी है, उस तो बाद भी गर्मी वट कटेगी, इसलिए जिन्ना हो सके गर्मी तो अपना बचा रखा जाए। खास करके आने वाले 3 दिन दे लई धुप विच बाहर ना निकलो, बहुत जरूरी काम होवे ता हिदायतां दा पालन करदे होए अपने शरीर नू ढक के नाल पानी लेके ते फिर ही गर्मी दे विच बाहर निकलो ते सीधा सूरज दीआं किरणां दे विच आउण तों भी बचो।